नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं सिटी साहब सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, पहले तो बोलूँगी हैप्पी दिवाली। आप सबको दिवाली का ढेर सारा शुभकामनाएं हैं। आप पटाखा मत फोड़िए, दिया जलाइए। मैं आज आप सबके लिए लेके आई हूँ ब्यूटी ट्रिक एंड टिप्स के ऊपर ब्लॉग। आपके घर में कुछ भी पार्टी हो या फंक्शन हो या कुछ फेस्टिवल हो, आप ऐसे ही कर सकते हैं। और आप हमेशा 10 मिनट्स में ऐसे रेडी हो जाएंगे, मैं तो आपको गारंटी देती हूँ। मैं भी 10 मिनट्स में ही रेडी हुई हूँ। चलिए देखते हैं। मैं अभी अच्छे से मुंह को फेस वॉश से धो के आई हूँ, अच्छे से उसको पोंछ लिया। अभी मैं लगाऊंगी लैक्मे 925 एलोवेरा जेल। थोड़ा सा उसमें से मैंने ले लिया हाथ में, इसको अच्छे से अभी हम लगा देंगे मुंह में। इसको 2 मिनट के लिए हम थोड़ा सा छोड़ देंगे। 2 मिनट हो गया, अच्छे से अब्जर्व हो गया। अभी हम लगाएंगे फेशियल ऑयल। ये लगाने से थोड़ा सा ग्लो अच्छा आता है। अभी मैंने अच्छे से मुंह में लगा दिया इसको। इसको भी अभी 2 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। 2 मिनट हो गया, आप देख पा रहे होंगे अच्छे से अब्जर्व हो गया। अभी मैं लगाऊंगी कंसीलर। मेरे डार्क सर्कल नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा शायद है। इसको ब्यूटी ब्लेंडर से मैं अच्छे से इसको टैप टैप कर दूंगी। इसको आपको कम से कम 2-3 मिनट ऐसे टैप टैप करना पड़ेगा। आप कभी भी इसको ऐसे ही करके मत लगाइए। अभी ऐसे ही टैप टैप करके आप आँख के एरिया में या नोज के एरिया में सब में लगा लीजिए, जहाँ भी आपका डार्क सर्कल आपको पता चल रहा है। आप देख पा रहे होंगे मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया। अभी मैं उसके ऊपर लगाऊंगी लैक्मे का फाउंडेशन। आप फाउंडेशन को डायरेक्ट मत लगाइए, उसके साथ मैंने थोड़ा सा ले ली अभी पॉन्स वाइट ब्यूटी का हम क्रीम ले लिए हैं, उसके साथ इसको मिला के लगाएंगे। आपको जो भी क्रीम सूट करता है आप ले सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे मैंने ले लिया, इसको अच्छे से हम मिला देंगे दोनों को। अभी हम फाउंडेशन को लगाएंगे। आप देख पा रहे होंगे हमने अच्छे से फाउंडेशन को लगा लिया। अभी फिर से ब्यूटी ब्लेंडर से हम इसको टैप टैप कर लेंगे, बिल्कुल ब्लेंड कर लेंगे, जैसे कि मुंह के साथ अच्छे से आपका मिल जाए।
अभी हम अच्छे से टैप टैप करके सब फाउंडेशन को ऐसे ही ब्लेंड कर लिए हैं। आप कभी भी फाउंडेशन को भी ऐसे ही मत करना, हमेशा ऐसे टैप टैप करना। अभी मैं लैक्मे का रोज पाउडर ले रही हूँ। रोज पाउडर को अभी एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से लगा देंगे। देखिए, हमेशा ऐसे ही पोजीशन में आपको रखना है और इसको थोड़ा सा ऐसे से निकाल देना है, जितना भी एक्स्ट्रा आपका पाउडर हो और निकल जाए। और अभी इसको ऐसे ही करते करते आपको लगाना है। जहाँ जहाँ पे आप फाउंडेशन लगाए सब वहाँ वहाँ पे आप रोज पाउडर ऐसे लगा दीजिए। मैंने सब में रोज पाउडर लगा लिया। अभी इसको ऐसे ही सर्कल करते करते हम ब्लेंड करते जाएंगे मून में। और नेक में भी आपको ऐसे ही लगाना है। आप देख पा रहे होंगे हमने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिए हैं। अभी मेरे पास स्विस ब्यूटी का इंस्टेंट ग्लो हाइलाइटिंग स्टिक है। इसको हम जहाँ जहाँ पे आपको हाइलाइट करना है वहाँ वहाँ पे लगाएंगे। मैं लगा रही हूँ पहले नोज़ के दो साइड पे और बिल्कुल नोज़ के सेंटर ऑफ पॉइंट में। फिर मुझे थोड़ा सा यहाँ हाइलाइट करना है और थोड़ा सा हमको फोरहेड पे हाइलाइट करना है। इसके पीछे ब्लेंडर है, देख पा रहे होंगे कर्टन का। अभी उसको हम ब्लेंड कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे हमने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया। अभी हम काजल लगाएंगे। मेरे पास मैबलिन का काजल है, अभी मैं काजल लगा रही हूँ। काजल मैं बिल्कुल हल्का लगा रही हूँ, ज़्यादा डार्क नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा काजल मतलब मेल्ट होके बिल्कुल नीचे आ जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा कम ही लगा रही हूँ, जैसे कि थोड़ा सा पता चले। और थोड़ा सा कम लगाने से भी काजल बहुत अच्छा लगता है। अभी हम आई लाइनर लगाएंगे। मेरे पास स्विस ब्यूटी का ये जेल काजल है, उसको वो थोड़ा सा मतलब जिंक उसमें है, थोड़ा सा अच्छा लगता है ये लगाने से। जैसे कि हम लाइनर लगा रहे हैं, आप लाइनर के बदले इसको भी लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा दिखता है। चलिए देखते हैं, मैं लगाती हूँ।
आप देखिए मैंने कैसे लगा लिया। अभी हम लिफ लाइनर लगाएंगे। मैंने लिप लाइनर लगा लिया। लिप लाइनर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो लिपस्टिक का जो सेट होता है वो बिल्कुल बाहर आ जाता है और बिल्कुल सेट नहीं हो पाता है। इसीलिए आपको लिप लाइनर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। आपको जो कलर पसंद है आप वही कलर आप लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं। मैं लिपस्टिक अभी लगा रही हूँ। आप लिपस्टिक जो बड़ोर लाइन दिए हैं, लिप लाइनर लगाए हैं, उसके अंदर ही आपका लिपस्टिक रहना चाहिए। बाहर आ जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप देख रहे होंगे मैंने लिपस्टिक भी लगा ली। अभी मैं लगा रही हूँ ब्लू हेवन का मस्कारा। मैं ऐसे पर्टिकुलरली कुछ ब्रांड का नहीं लगाती हूँ, जो मेरे ऊपर सूट करता है वही मैं लगाती हूँ। अभी मैंने मस्करा भी लगा लिया। ये मेरा सिंदूर का डब्बा है, ये चांदी का है, लेकिन लगाते लगाते थोड़ा सा ब्लैक हो गया। अभी मैं सिंदूर लगाऊंगी। ये चांदी का स्टिक है, माना जाता है कि चांदी के स्टिक से ही हमेशा सिंदूर लगाना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे मैंने सिंदूर भी लगा लिया। अभी हम बिंदी लगाएंगे, ये वाला बिंदी। बिंदी में दो आईब्रोज के बीच में नहीं लगाती हूँ, थोड़ा सा ऊपर लगाती हूँ। ऊपर लगाने से थोड़ा सा सुंदर दिखता है। आप देख पा रहे होंगे मैं बिंदी कहाँ लगाई, थोड़ा सा बिंदी ऊपर लगाने से सुंदर दिखता है। अभी मैं लैक्मे का फेस सीर लगा रही हूँ, आपको दिखाऊंगी। ये थोड़ा सा लगाते हैं, इसके लिए थोड़ा सा आपका ग्लो आए, ऐसे ही इसको लगाते हैं। जैसे भी आप कोई पार्टी फंक्शन में जा रहे हो, थोड़ा सा आपके ऊपर लाइट आए या फोकस आए सबका, तो आप थोड़ा सा ग्लेज दिखो, इसके लिए इसको लगाते हैं। मैंने अच्छे से इसको लगा दिया। आप देख पा रहे होंगे हमने कितने जल्दी एक बिल्कुल रेडी हो गए, एक बिल्कुल नया गेटअप में। अभी चलिए हम थोड़ा सा बाल बना लेते हैं।
मेरा बहुत पतला बाल है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा सेट कर रही हूँ। अब देख पा रहे होंगे मैंने बाल को थोड़ा सा सेट कर लिया, ऐसे ही हम खुला छोड़ रहे हैं। अभी हम बिल्कुल मंगलसूत्र नहीं पहने, बैंगल्स नहीं पहने, अभी मैं बैंगल्स और मंगलसूत्र पहन लेंगे। ये मेरा गोल्ड का बैंगल है, मैं इसको अभी पहन लूंगी। ये मेरा शादी वाला मंगलसूत्र है, इसको भी मैं अभी पहन लूंगी। ये मैं हमेशा नहीं पहनती हूँ, कभी कभार फंक्शन में जाना हो या कोई पार्टी फंक्शन में जाना हो या कोई ऐसे दिवाली विवाली हो तो हम पहनते हैं। ये मेरा लॉन्ग इयररिंग है, मैं इसको भी पहन लूंगी साड़ी के साथ, ये बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं दोनों साइड बिल्कुल ईयर पहन चुकी हूँ, अभी चलिए हम साड़ी पहन लेते हैं। अभी पहन लिया, मेरे को ये सब मेकअप करने में 10 मिनट्स लगा है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगा है। आप ये वाला मेकअप को कैसा लगा आपको, आप मुझे ज़रूर बताइए और कमेंट में लिख के मुझे बताइए आपको कैसा लगा मेरा मेकअप। आप इसको फॉलो करो तो बहुत अच्छे दिखोगे, दिखेंगे ना बिल्कुल अच्छे। मैं आपको बिल्कुल फुल लुक दिखा रही हूँ, आप देख रहे हैं ना बिल्कुल फुल लुक। आप